जो इंसान अल्लाह के पसंदीदा और महबूब काम करे तो वह इंसान खुदावंदे करीम का महबूब बन जाता है। मोहसिन इंसानियत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि ए अल्लाह के नबी, हमें बताइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में महबूब तरीन फ़र्द कौन है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इंसान इंसानों के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद हो, ऐसा इंसान अल्लाह का महबूब बन जाता है। याद याद रखें, रखें। अल्लाह के यहाँ सबसे पसंदीदा आमाल वो हैं जिनसे अल्लाह के बंदों को खुशियाँ मिलें, उनकी तकालीफ दूर हों या उनसे भूखों की भूख दूर हो, बेवाओं और यतीमों की मदद, मुसाफिरों, मोहताजों, फुकरा और मसाकीन से हमदर्दी, बीमारों, माजूरों, कैदियों और मुसीबत जदगान से ताउन करने वाले बिलाशुबा अल्लाह के महबूब बंदे हैं। याद याद रखें, रखें, याद रखें। अल्लाह ने जिसको बहुत कुछ दिया है उसका भी इम्तिहान है और जिसे महरूम रखा है उसका भी इम्तिहान है। अल्लाह इस बात को पसंद करता है कि माशरे के ज़रूरतमंद और मुस्तहिक अफराद की मदद उनके वो भाई बन करें जिन्हें अल्लाह ने अपने फजल से नवाजा है। हमें चाहिए कि ज़रूरतमंद इंसानों से मोहब्बत और हमदर्दी करें, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करें ताकि हमें अल्लाह की रिज़ा और गुनाहों की बख्शिश हासिल हो।